प्रीति जिंटा नेसवाड़िया केस में आज मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने कुछ दी अहम जानकारियां। पहला मुद्दा, स्टेडियम में लगे 5 सीसीटीवी कैमरास की रिकॉर्डिंग जिस पर जांच चल रही है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस ने बीसीसीआई से उस चैनल की सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग मांगी है जिस पे ये सीरीज टेलीकास्ट की गई है। मुंबई पुलिस के लिए इस केस में दूसरी बड़ी चुनौती है नेसवाड़िया के पिता नुस्ली वाड़िया को मिली अंडरवर्ल्ड की धमकी। अब इसमें अहम हिस्सा ये है कि क्या सच में अंडरवर्ल्ड और रवि पुजारी नेसवाड़िया की फैमिली को धमकी दी है। इस बात की जाँच करने के लिए मुंबई पुलिस ने कुछ वक्त मांगा है। हमने क्योंकि प्रीति जिंटा की कंप्लेंट में कोई नाम मेंशन नहीं है, तो हमने थ्रू हर लॉयर हमने उनको लेटर लिखा है कि आपकी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट की ज़रूरत है ताकि हमें मोर डिटेल्स ऑफ लोकेशन ऑफ नेम्स ऑफ विटनेसेस ये हमें आप दें। प्रीति जिंटा हैज कॉन्टेक्टेड अस थ्रू आवर लॉयर टुडे एंड शी हैज इन्फॉर्म्ड दैट शी इज कमिंग बैक टू असिस्ट इन द इन्वेस्टिगेशन इन दिस वीक। तो व्हेन शी कम्स वी विल बी रिकॉर्डिंग हर सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट। इन द मीनवाइल 16 तारीख को वो हमें कल कंप्लेंट मिली है नस्ली वाड़िया के जो का जो ऑफिस है उस ऑफिस के फ़ोन पर और उनके दो पीए हैं उनके टेलीफोन मोबाइल्स पर सपोजिटली सम कॉल्स हैव कम। वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो हम एंटी एक्सटॉर्शन सेल क्राइम ब्रांच को दे रहे हैं। उसमें भी जो रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफेंस है दैट विल बी डन टुडे। वी आर प्रोबिंग द डिटेल्स ऑफ दैट दोज टेलीफोन। आई थिंक देर आर अबाउट 5 टेलीफोन कॉल्स विच आर मेड एंड देर इज एन SMS विच हैज बीन सेंड। तो वी आर प्रोबिंग इन टू दैट एंगल ऑल्सो। I am not going into that. That is a matter of investigation. There is an SMS which has been received. The number is supposed to be from Iran. We are verifying. We are ascertaining. We will be going into our voice bank and other things in the anti-extortion cell to ascertain identity of the person who made the call, as well as we are getting in touch with service providers and others to assist us in the investigation of the SMS which has been sent. देखिए जो भी है ये आप लोग की इन्वेस्टिगेशन है, हमारी इन्वेस्टिगेशन में तो अभी तक ऐसे कुछ हुआ नहीं है बिकॉज उन्होंने कोई ये टेप नहीं किया है। हम उनको बुला के हमारे वॉइस बैंक में उनको हम सुनाएंगे कि वेदर दे रिकग्नाइज। अब ऑन द जो हम ऑफेंस रजिस्टर करेंगे दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द SMS। जो SMS हमको मिला है वो SMS के बेस पर हम वी आर रजिस्टरिंग एन ऑफेंस अंडर 506 पार्ट 2 इन दैट अगेंस्ट अननोन Against unknown at the moment we identify the names will come. But the complaint has come to us to that effect that the caller says that he was Ravi Pujari. So we are examining that angle.